चीज आप देखो भाई, ऊपर से गिरती बढ़ती सारी गाड़ियाँ आ रही है, बादल क्या हो रहा है, गाड़ी गिरना जाएगा, आराम से भरना चली जाए भाई साहब। अभी ठोकर दी थी भाई जी वैगन ने, अब जी वैगन खुद ही पानी में गिर गई बाहर रैंक। क्या ही जम गया भाई इंडिया, यहाँ पर कटिंग है, यहाँ पर थोड़ी बताने का कोई गाड़ी है, तीन दोनों है, यहाँ से रेस शुरू होने वाली है हमारी और हो भी चुकी है। पीछे का दो तीन गाड़ियाँ आती, पीछे ये क्रेटा और एक कौन सी गाड़ी थी भाई रुक चुकी पानी में। यहाँ पर देखो भाई रेड कलर की तीन तीन गाड़ियाँ भाई, फॉर्चुनर मैडम, फोर एक्स फोर और आइटम हिस्ट्री, और ये देखो भाई बाकी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक चुकी है ड्राइवर मेरे साथ भाई गंगा लेते हुए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों का GTA 5 के और एक नए मजेदार वीडियो पर। हाँ गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ बहुत सारी इंडियन SUVs। हाँ गाइस, आज बहुत घमासान भाई रेस होने वाला है, क्योंकि भाई आज यहाँ पर लिटरली मैं भाई साहब 15 SUV कार्स लेके आ चुका हूँ, सारी की सारी इंडियन गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देख लो भाई रैंप, देख सकते हो आप लोग कितनी बड़ी रैंप बना लिया है, आज तक का सबसे लंबी रैंप है ये मेरे वीडियोस में, मतलब आज तक इतना बड़ा रैंप मैंने नहीं बनाया है। लेकिन ये भाई कोई चैलेंज वीडियो नहीं, ये एक ड्रैग रेस वीडियो है। हाँ गाइस, सारी की सारी गाड़ियों को लेके मैं करने वाला हूँ ड्रैग रेस, वो भी भाई ये वाटर रैंप के ऊपर भाई साहब, शहर के बीच से शुरू होने वाली है रेस, वहाँ से आके यहाँ पर भी ख़त्म होगी और भाई साहब ट्रैक उल्टी भी होगी। और यहाँ देखो भाई लोग यहाँ पर खड़े हो गए भाई, रैंप दिख रहा है कि ये क्या बना दिया भैया, एकदम समुंदर के बीच में क्या ही है। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत मजेदार, तो भाई पूरा वीडियो आखिर तक देखना, और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलना। तो गाइस भाई 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है तुम्हारा भाई, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और भाई अपने भाई के लिए भाई 500 सब्सक्राइबर्स दिला दो। तो भाई ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं पहले राउंड की तरफ, तो शुरू करते हैं पहली रेस। ऑलराइट गाइस, तो पहले राउंड में स्वागत है आप लोगों का, और भाई मैंने ले लिया है हमर H2। हाँ गाइस, सबसे बड़ी वाली गाड़ी इस रेस की, और पीछे भाई देखो बहुत सारी गाड़ियां भाई लाइन देके लाइन अप कर चुके रेस के लिए, और भाई मैं पीछे आ चुका हूँ क्योंकि रेस शुरू हो चुकी है। गाइस भाई रेस शुरू होते ही यहाँ पर 5-6 गाड़ियां रुक भी चुकी है, और सामने देखो भाई क्या ही हो रही है भाई इस रोड में। भाई यहाँ पर कटिंग है, यहाँ पर थोड़ी मतलब पता नहीं भाई कोई गाड़ी की एक्सीडेंट होगी शायद, यहाँ से रेस शुरू होने वाली है हमारी और हो भी चुकी है। पीछे भाई 2-3 गाड़ियाँ आती हुई और सामने बहुत सारी गाड़ियाँ निकल भी चुकी है, तो गाइस ज़्यादा देर न करते हम लोग को रेस ट्रैक को भाई करना पड़ेगा। चलो भाई बाकी गाड़ियों को कैच करना पड़ेगा। यहाँ पर भाई ब्रिज के ऊपर हमारी रेस चलती हुई, और ये भाई एंडेवर को पार कर दिया, और यहाँ पर भाई सामने लेजेंड जाती हुई, सामने स्कॉर्पियो गाड़ी हुई निकल गई भाई यहाँ पर। अरे 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 अरे, अरे भाई साहब गाड़ी की कंट्रोल झूठ गई थी, कोई ही बात नहीं, एंडेवर ने मौका लेकर भाई टोक के गाड़ी निकल गई। पीछे लैंड रोवर भाई कोशिश कर रही थी लेकिन पीछे रुक चुकी है, सामने स्कॉर्पियो जाती हुई भाई मेरे को दिख भी रही है भाई। चलो भाई साहब पीछे भाई रेंज रोवर आ रही है, या तो भाई रेंज रोवर होगी नहीं तो भाई साहब जीप कंपनी भी हो सकती है। ओ भाई साहब रेंज रोवर भाई पीछे से ठोक दिया है, यहाँ पर जीप वैगन आ चुकी है, H3 आ चुकी है, जीप कंपस आ चुकी है, और सिलेरियो भी आ चुकी है भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं आज के रेस में। तो गाइस पूरा वीडियो आखिर तक देखना, और ये देखो ट्राम की भाई जो पल्ली बनी हुई है यहाँ पे भाई, तो उड़ी टक्कर हो चुकी है, 3-4 गाड़ियाँ रुक भी चुकी है, कोई बात नहीं भाई हमारी है मन गाड़ियों के ऊपर से निकल गई। चलो भाई यहाँ पे ट्रैक भाई ख़त्म होने वाली है, मतलब वाटर ट्रैक शुरू होने ही वाली है। चलो यहाँ पर मेन रोड ख़त्म होने वाली है, मेन रोड को क्रॉस करते ही हमारी वाटर ट्रैक चालू हो जाएगी। वो देखो भाई दूर से वाटर ट्रैक दिख रही है भाई साहब, क्या ही लग रही है रैंप भाई, कितनी ऊँची है रैंप गाइस, आप लोगों को ये रैंप कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये देखो भाई वाटर ट्रैक शुरू भी हो चुकी है, महिंद्रा थार पीछे रह चुकी है, और यहाँ पर देखो BMW की कोई कार है भाई, नाम अभी A80 होगी शायद, चलो कोई बात नहीं। सामने भाई स्कॉर्पियो भगाती हुई जाइए, स्कॉर्पियो के साथ भाई फॉर्चूनर है, और चलो भाई सामने 2-3 गाड़ियाँ भी है देखना पड़ेगा। और ये रही भाई सबसे सामने वाली गाड़ी मेसा 4X4, इस गाड़ी को भाई पार करते हम लोग पहुंच जाएंगे पहली पोजीशन पर। चलो भाई गाड़ी पलटी रुक चुकी है गाइस, तो यही मौका है भाई बड़ी वाली बम्पर, भाई ये बड़ी वाली नहीं है उसके पहले छोटी वाली एक बम्पर है उसे पार कर दिया मैंने, और यहाँ उससे भी छोटी छोटी दो बम्पर थे। चलो कोई बात नहीं, पानी में कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पानी की गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और पीछे देखो भाई मेरे साथ आती हुई। चलो भाई ये बड़ी वाली रैंप को पार करना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत ऊंचा है, और गाड़ी की भाई सामने की इंजन भी दिख रही है, बोनेट टूट भी चुकी है। चलो भाई कोई बात नहीं, पीछे देखो भाई
में फॉरेस्ट वो आती हुई, चलो भाई सीधी चल एकदम भी भाई कंट्रोल से बाहर नहीं जाना। और ये भाई साहब रेस ट्रैक हो चुकी है ख़त्म, और भैया पहली राउंड में हम लोग आ चुके हैं पहली पोजिशन पर। और भाई मैं हमेशा तो पीछे थी भाई, कहाँ गई भाई, देखना पड़ेगा शायद नीचे गिर चुकी है गाड़ी, चलो देख लेते हैं गाड़ी। हाँ भाई पीछे रुक चुकी है। तो गाइस पहले राउंड हो चुकी है ख़त्म और बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे आती हुई, पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी अभी रेस ख़त्म कर पाएगी। तो भाई पहले राउंड में जीत चुके हमारी हमर, और ये देखो भाई सेकेंड पोजिशन पर एंडेवर पहुँच चुकी है। और भाई हमेशा तो भाई लो भाई सारी गाड़ियाँ पलटी खा के नीचे चली गई और ये रेस हो चुकी है ख़त्म। तो गाइस ज्यादा देर न करते हुए पहली राउंड खत्म करके बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। सो गाइस स्वागत है आप लोगों का सेकंड राउंड में, और भाई मैंने ले लिया है एंडेवर। हाँ भाई ये बहुत दमदार गाड़ी है, इसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा भाई बहुत दमदार गाड़ी है। चलो भाई मैं आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा, बाकी रेस शुरू ही होने वाली है। चलो भाई साहब गाड़ी रुक जा, चल बाकी गाड़ियों को। ओ भाई साहब देखो भाई ऊपर से गिरती बढ़ती सारी गाड़ियाँ आ रही है, बादल क्या ही हो रहा है, वे गाड़ी गिरना जाएगा, रैम से बाहरना चली जाए। भाई साहब अभी ठोकर दी थी भाई जी वैगन ने, जी वैगन खुद ही पानी में गिर गई बाहर रैम के। ओ भाई साहब क्या ही जम गया भाई ड्राइवर ने, और यहाँ पर भाई सारी गाड़ियाँ ठोकर खाती हुई पीछे, भाई बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ भाई देखो पिछली रेस की विनर हमर जाती हुई, चलो चलो कोई बात नहीं, सामने भाई वाटर ट्रैक हुई होने वाली है। तो भाई इस बार मैंने रैम को थोड़ा पलटी कर दिया है क्योंकि भाई बार बार एक ही तरफ से गाड़ी चलाने को मज़ा नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, रैम में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। वो ये देखो भाई साहब जी वैगन क्या ही गई, अरे भाई साहब पीछे से तीन चार गाड़ी अभी आ गई। ये देखो भाई रेंज ओवर बजाती हुई जा रही है, जीप कंपस भाई पलट चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अरे हमारे के साथ चल लेती है हमारी एंडेवर जाती हुई, और ये हमर तो भाई पीछा नहीं छोड़ी क्या रे भाई, पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी आगे जाएगी। चलो भाई रुक चुकी है हमर, और भाई जो हमारी पति में भाई गाड़ी अटक चुकी भाई का क्या ही हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी को शायद मैनुअली अरे 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 दिया भाई पानी में गिरा दिया मेरी गाड़ी को। चलो भाई ट्रैक में ले जाना पड़ेगा गाड़ी को, नहीं तो भाई ये गाड़ी अपने आप नहीं जाएगी, देखो अपने आप भी नहीं जा पाएगी। देखो भाई साहब पूरा पानी में गिर गई मेरी गाड़ी। तो भाई आप लोग थोड़ा देख लो भाई गाड़ी को, थोड़ा मुझे ले जाना पड़ेगा ट्रैक में क्योंकि उससे उसके अलावा भाई कोई रास्ता नहीं है। चलो भाई ट्रैक में ले आ चुका हूँ मैंने एंडेवर को, और सामने बहुत सारी गाड़ियाँ निकल चुकी है, मतलब आप लोगों को क्या ही बोले भाई, सारी गाड़ियाँ आगे निकल चुकी है। तो भगा के जाना पड़ेगा नहीं तो भाई साहब हम लोग रेस के बाहर हो जाएंगे। ये देखो भाई H3 रुक चुकी थी, H3 को पार करती हुई हमारी गाड़ी, और यहाँ पर भाई साहब लैंड रोवर को भी पार कर दिया, सिलेरियो को भी पार कर दिया, भाई तीन चार गाड़ियों को तो ऐसे ही पार कर दिया। सामने बाकी गाड़ियाँ होगी, पता नहीं भाई इस राउंड में पहली फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर पहुँच पाऊँगा या नहीं देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर भाई टर्निंग से थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा नहीं तो भाई कटिंग मिस कर जाऊंगा। और भाई साहब इसके बाद अभी थोड़ी दूरी होगी कटिंग, ये रही भाई साहब। चलो भाई याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए गाड़ी को कंट्रोल कर दिया और ये रेस खत्म ही होने वाली है। भाई देखो भाई वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पहुँच भी चुकी है, पता नहीं भाई रेस खत्म हो जाएगी भाई पहुँचते पहुँचते, और भाई साहब कौन सी गाड़ी जीती ये भी देख नहीं पाऊंगा। चलो भाई साहब रेस हो चुकी है खत्म, तो सेकेंड राउंड हो चुकी है खत्म, तो ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आखिरी थर्ड राउंड की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का इस रेस के आखिरी राउंड में। तो गाइस रेस हो रही है बहुत मजेदार, तो ज्यादा देर न करते हुए मैंने ले लिया है यहाँ पर जी वैगन जो की एक सुपर कार है। हाँ गाइस बहुत फुर्तीली गाड़ी है, और यहाँ पर रेस शुरू हो चुकी है, सारी की सारी गाड़ियां निकल चुकी है। देखो आप लोगों को दिखाई दी, ओ भाई साहब क्या ही हो रहा, नीचे देखिए गाइस नीचे सारी गाड़ियां भाई बल्टी खाते हुए पानी में। ओ माय गॉड क्या ही हो रहा है, और भाई साहब यहां पर जी वैगन, ओ ओ ओ ओ और रेंज रोवर ऊपर से भाई गिरी मेरे गाड़ी के ऊपर। अरे 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 अभी तो भाई रैप के बाहर चली जाती मेरी गाड़ी, पीछे ये क्रेटा और एक कौन सी गाड़ी थी भाई रुक चुकी पानी में। यहां पर देखो भाई रेड कलर की तीन तीन गाड़ियां भाई, फॉर्च्यूनर मेरा 4X4 और भाई साहब H3, और ये देखो भाई बाकी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक चुकी है एंडेवर मेरे साथ भाई पंगा लेते हुए। एंडेवर बहुत दमदार गाड़ी है भाई, एंडेवर को डर लगता है, बहुत मारू है गाड़ी, बहुत स्पीड होती है गाड़ी में भाई भगा के जाती है। चलो भाई यहाँ पर थोड़ी टक्कर हो चुकी है गाड़ी को, एकदम ऊँची भाई चढ़ान है, एकदम सीधी चढ़ान है, इसलिए भाई ठोकर खा गई भाई रस्ते में। कोई बात नहीं भाई साहब, आगे सामने दो तीन गाड़ियाँ और उससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ शायद निकल चुकी है, देखना पड़ेगा पीछे की गाड़ियाँ कहाँ है भाई, बाकी गाड़ियाँ रुक चुकी है। कोई बात नहीं,
सामने वाली गाड़ियों को पार करके मुझे जाना पड़ेगा। चलो भाई पहले छोड़ी बम्पर और ये पानी पार करते हुए जंप में भाई हमारी गाड़ी को पानी को पार कर दिया हमारी गाड़ी ने और ये भाई खत्म होने वाली है वाटर ट्रैक। चलो कोई बात नहीं। अरे 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 भाई क्या ही जंप है, गाड़ी आगे भाई यहाँ पर ठोक दिया। कोई बात नहीं, हम लोग वाटर ट्रैक क्रॉस कर चुके हैं, सामने सारी गाड़ियाँ निकल भी चुकी है। तो भाई हम लोगों को भगा के जाना पड़ेगा क्योंकि सामने कोई भी गाड़ी मुझे नहीं दिख रही है, मतलब बहुत दूर चली गई होगी। चलो 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 भाई, जी वैगन बहुत दमदार बहुत फुर्तीली गाड़ी है। चलो भाई अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही है। आप लोगों को ये गाड़ी कैसे लगती है जल्दी बताना। और ये देखो भाई साहब महिंद्रा थार यहाँ पर रुक चुकी थी। चलो यही मौका है भाई महिंद्रा थार को पार करके हम लोगों को जाना पड़ेगा। ओके चल चल चल, टर्निंग लेना पड़ेगा आराम से। और ये भाई साहब हम लोगों ने पार कर दिया महिंद्रा थार को। तो भाई पीछे महिंद्रा थार आती हुई सामने देखते हैं कोई गाड़ी है या नहीं। चलो भाई पहुंच भी चुकी होगी अब तक तो रेस की फिनिशिंग पॉइंट तक। और ये भाई साहब ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है नहीं तो गाड़ी को कंट्रोल करना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखो भाई महिंद्रा थार पीछे आती हुई। ओ चलो भाई भाई साहब हमारी गाड़ी की कंट्रोल भाई छूट रही है, क्या ही स्पीड है गाड़ी में आ रहे। रुक जा रुक जा रुक जा भाई साहब, देखो 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 भाई महिंद्रा थार निकल भी गई। थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा स्पीड ले लिया ओवर स्पीड और ये कटिंग निकल ही जाती, मैंने देख लिया इसलिए रोक लिया। लेकिन भाई कंट्रोल से बाहर जाने की वजह से गाड़ी भाई साहब रुक चुकी है। चलो कोई बात नहीं, सामने भाई रेस खत्म ही होने वाली है। वो देखो भाई महिंद्रा थार दिख रही है सामने, थार भगाती हुई जा रही है। चलो ट्रैक खत्म ही होने वाली है और फिर से लो भाई साहब फिर से मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट कर चुकी। कोई बात नहीं और ये रेस हो चुकी है खत्म। तो गाइस थर्ड और आखिरी राउंड में फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके महिंद्रा थार जो कि भाई बल्टी भी खा चुके हैं। और सेकंड पोजीशन पर पहुंच गए हमारी जी वैगन, देख लेते हैं बाकी कोई गाड़ी आ भी पा दी है या नहीं। तब तक के लिए आप लोग जरा चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो गाइस आप लोगों की कोई पसंदीदा गाड़ी अगर आप लोग देखना चाहते हैं किसी भी वीडियो में तो भाई जल्दी से कमेंट में गाड़ी का नाम बता दो, तो मैं किसी भी मतलब वीडियो में अगली वीडियो में आपके वो पसंदीदा गाड़ी लेके आऊँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो तब तक के लिए मिलता है टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।